साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से एक कार्य समिति का गठन किया गया है। तो कार्य समिति है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम में जो अनियमितता है उसी के संशोधन के लिए कार्य समिति का गठन किया गया है। पूरे विस्तार से मैं इस पर बात करूँगा। आने वाले समय में शिक्षक भर्ती और पदोन्नति में पारदर्शिता आ जाएगी, जिससे कि अनावश्यक कोर्ट केस होता है, कोर्ट में याचिका दायर होता है, उन याचिकाओं पर रोक लग जाएगी। इसी विषय पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन आज आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो पोर्टल पर, उस पर आज बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि आपको ये विज्ञप्ति दिखाई दे रहा है, अधिसूचना दिखाई दे रहा है, लोक शिक्षण संचालनालय का ये अधिसूचना है। ये अधिसूचना 29 मई 2024 अर्थात आज ही की अधिसूचना है। और ये आदेश है जिसमें क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से ये आया हुआ है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो 2019 में नियम बना है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCERT, इनकी अधीनस्थ जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि राजपत्रित हो, गैर राजपत्रित हो, जिनमें भर्ती नियम 2013 बना है एवं समग्र शिक्षा में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की निर्धारित विभिन्न सेटअप का एकीकरण किए जाने। देखिए, ये जो विज्ञप्ति अधिसूचना आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग जो है भर्ती नियमों में अनियमितताएँ हैं, जिसके वजह से आज जो है किसी न किसी कारण से कर्मचारी अपने जायज मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं। और यही प्रमुख वजह है कि जितनी भी नियमों में अनियमितताएं हैं, यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधन में उत्पन्न विसंगतियां, अर्थात जो संशोधन किया गया है 13 से 19 में जो संशोधन किया गया है राजपत्र के भर्ती और प्रमोशन के जो नियमों में, तो उनमें बहुत सारे फेरबदल कर दिए गए हैं, जिसके वजह से कोर्ट में याचिका दायर हुआ है। आप सभी जान रहे हैं, आप में से बहुत सारे साथी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के कैंडिडेट भी रहे होंगे, जान रहे हैं विषय बाध्यता को लेकर भी कोर्ट केस लगा हुआ है और अन्य मुद्दों को लेकर भी न्यायालय में याचिका लगी हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी में जो उत्पन्न विसंगतियों के कारण भर्ती और पदोन्नति में अत्यधिक न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति होती आ रही है। जैसा कि मैं प्रमोशन की बात कर लूं, तो अभी हिंदी और संस्कृत वाले मुद्दे पर भी कोर्ट केस लगा हुआ है, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत को एक ही विषय के रूप में पद निकाल दिया गया है। तो ये सभी स्थितियां हैं जिसके वजह से न्यायालयीन प्रकरण आ गया है। तो इन तमाम विसंगतियों के कारण भर्ती और पदोन्नति में अत्यधिक न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति होती जा रही है, अर्थात बहुत सारे याचिका लगते जा रहे हैं। इन नियमों में समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, अर्थात नियम ऐसा होगा जो सबके लिए एक बराबर होगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। इस तरह मतलब नियम साफ तौर पर क्लियर होना चाहिए, ताकि हर आदमी, हर व्यक्ति उस नियम को समझ सके और सभी जगह वह एक रूप रहे। इसी को लेकर, अर्थात समुचित संशोधन को लेकर ये जो है अधिसूचना जारी की गई है, अर्थात नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाबत संचालनालय स्तर पर कार्य समिति का भी गठन किया गया, इसको लेकर एक समिति का गठन किया गया है। और इस समिति में कुल 9 सदस्यों की ये समिति बनेगी, आपको यहाँ दिख रहा है, जिसमें सहायक संचालक रहेंगे, इसके अलावा प्राचार्य रहेंगे, माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक रहेंगे, सहायक ग्रेड 2 रहेंगे, छात्रावास इसमें सहायक अधीक्षक रहेंगे। और इन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में 9 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति की क्या कार्य होगा भाई, तो उपरोक्त भर्ती नियमों की विस्तृत समीक्षा करेंगे, इसके अलावा सर्वसम्मति से संशोधन भी करेंगे एवं नवीन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार करके विभागीय प्रशासनिक समिति के समक्ष 10 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अर्थात पहले तो उन भर्ती नियमों को समझेंगे, फिर समीक्षा करेंगे और उसका जो है जो भी सार तत्व निकल कर आ रहा है समीक्षा, उसको प्रस्तुत करेंगे। और ये इसके लिए जो कार्य समिति की प्रथम बैठक 3 जून को प्रातः 11 बजे
नियत की जाती है, अर्थात लोक शिक्षण संचालनालय में 3 जून को इसके लिए बैठक आयोजित किया जा रहा है। तो साथियों, इसका क्या लाभ मिलेगा अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, युवा बेरोजगारों को अर्थात बीएड बेरोजगारों को क्या लाभ होगा, शासकीय कर्मचारियों को क्या लाभ होगा, दोनों की मैं लाभ को आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं बात करूं बेरोजगारों के हित में, सबसे पहले तो विषय बाध्यता की जो स्थिति समाप्त हुई, फिर से जो है विषय बाध्यता आ जाएगी, पहली बात। ठीक है, पहली बात पुनः विषय बाध्यता आ जाएगी, जैसा कि 2013-2019 में नियमों में था। दूसरी बात, इसमें क्या चीजें मिलेंगी युवा बेरोजगारों को, तो जो कई विषय ऐसे भी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस विषय, जैसे बीकॉम वाले साथी, तो बीकॉम वाले साथी को किस में रखा जाए, तो बीकॉम वाले साथियों के नियम भी स्पष्ट हो सकते हैं इसमें। तीसरी स्थिति इसमें क्या आ जाएगी युवा बेरोजगारों के लिए, जो हिंदी संस्कृत वाला जो मैटर है वो भी क्लियर हो जाएगा, दोनों के लिए विषय रहेंगे मिडिल स्कूलों में। तो ये 3 स्थितियां जो है निर्मित होंगी युवा बेरोजगारों के लिए, ये 3 लाभ होंगे, अर्थात विषय बाध्यता, बी कॉम वाले साथियों को असमंजस नहीं रहेंगी कौन सी विषय के लिए पात्र होते हैं, इसके अलावा हिंदी और संस्कृत वाला मुद्दा जो है क्लियर हो जाएगा। बात करूं मैं कर्मचारियों के हितों में क्या लाभ होंगे, तो पहली बात वेतन विसंगति नहीं बोलूंगा, इसमें वेतन विसंगति का मुद्दा नहीं है ये, इसमें लाभ होगा जो पदोन्नति है, जैसे प्रमोशन होती है, अब प्रमोशन में क्या है, विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है मान लो, तो प्रमोशन में समस्या आएगी, लेकिन इस समीक्षा के बाद में जो नया नियमावली बनेगा उस नियमावली के आधार पर फिर प्रमोशन होंगी, तो प्रमोशन में समस्या उत्पन्न नहीं होंगी कर्मचारियों के लिए। सेकेंड बात, विषय स्पष्ट रहेंगे, हिंदी संस्कृत कोर्ट केस लगा हुआ है, ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होंगी। दूसरी बात, तो ये 2 स्थितियां जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित होंगी, अर्थात बात करूं मैं युवा बेरोजगारों एवं कर्मचारियों, तो दोनों के लिए ये लाभप्रद है। और तीसरा भी है, देखिए सबसे पहले कर्मचारियों को पदोन्नति में लाभ, ठीक है, पदोन्नति में लाभ बताया। दूसरा मैंने क्या कहा भाई इसमें, कि विषय वाला जो कोर्ट केस है उसमें क्लियर रहेगा। तीसरी बातें और होंगी, ई और टी, ट्राइबल और एजुकेशन को लेकर भी बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें ट्राइबल और एजुकेशन को लेकर भी पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास निकल कर आ सकती है, क्योंकि लगातार कर्मचारियों द्वारा, शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा ट्राइबल और एजुकेशन को मर्ज करने की बात की जा रही थी, और इसको लेकर यदि शिक्षा विभाग कुछ सोच रहा है तो ये समीक्षा बैठक में ये चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये प्रमुख बिंदुएं हैं जो कि इस समीक्षा बैठक के बाद कर्मचारियों और युवा बेरोजगारों के हितों में, ये दोनों के हितों में कहीं ना कहीं हम इसे लाभदायक मान सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, एक चिंतन थी समझिए कि कैसे इसका लाभ आपको, हमें कर्मचारियों को, बीएड युवा बेरोजगारों को इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।